चौथ के लिए महिलाओं को कुछ बातों को ध्यान में रखना है जरूरी। व्रत में जाने कैसे रखें अपना ख्याल। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। भारत में हिंदू धर्म की सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, जैसे कि तीज, वट सावित्री पूजा आदि। इन व्रतों में एक व्रत करवा चौथ भी होता है। बता दें कि भारत में पति के लिए पूजा और व्रत करने की रीत सदियों से चली आ रही है। करवा चौथ भी इस रीत में बहुत चर्चित है। इस व्रत में भी तीज की तरह सुहागन महिलाएं अपने पति की अच्छी सेहत व लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को सुहागन महिलाएं रखेंगी। करवा चौथ का व्रत निर्जला किया जाता है, अर्थात महिलाएं पानी का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती हैं। पूरे दिन बगैर अन्न और जल के महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। फिर शाम को पूजा करने के बाद चांद को देखती हैं। उसके बाद अपने पति का आशीर्वाद लेने के बाद ही जल और अन्न ग्रहण करती हैं। महिलाएं करवा चौथ की तैयारी पहले से ही शुरू कर देती हैं, लेकिन वैसी महिलाएं जो पहली बार इस व्रत को रखने जा रही हैं, उन्हें कुछ बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को करवा चौथ के व्रत के दौरान अपने सेहत का ख्याल खास तौर से रखना चाहिए। एक तरफ करवा चौथ का निर्जला व्रत और दूसरी तरफ घर के सारे काम की जिम्मेदारियाँ। ऐसे हालातों में व्रत के समय महिलाओं को सिर दर्द, बदन दर्द और अन्य तबीयत खराब होने वाली संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन तमाम चीज़ों से खुद को बचाए रखने के लिए कुछ तैयारियां महिलाओं को व्रत रखने से पहले ही कर लेनी चाहिए, ताकि व्रत वाले दिन उन पर काम बोझिल ना हो जाए। व्रत वाले दिन महिलाएं खुद को ज्यादा ना थकाएं। जो काम वो व्रत करने से पहले कर सकती हैं, उन सभी कामों को पहले ही निपटा ले। व्रत रखने से पहले ही अपने घर की साफ सफाई कर ले तथा पूजा घर की साफ सफाई भी कर ले। साज सज्जा आदि का काम भी पहले ही निपटा ले। बाजार से फल, मिठाई या पूजा की सामग्री पहले ही ले आए। महिलाएं पूजा की थाली भी पहले ही तैयार कर सकती हैं तथा करवा चौथ की छलनी की सजावट भी पहले ही कर सकती हैं। इन सारे कामों को व्रत से पहले ही कर लेने से महिलाओं को बहुत सहूलियत होगी और साथ ही व्रत के दौरान घर के कामों का भार भी नहीं पड़ेगा। महिलाओं को करवा चौथ के व्रत के दौरान कुछ शारीरिक तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें व्रत से ठीक दो दिन पहले से ही अपने खाने और पीने का ध्यान रखना चाहिए, ताकि व्रत वाले दिन उन्हें एनर्जी की कमी ना लगे। व्रत रखने के दो दिन पहले से पोषण युक्त आहार लेनी चाहिए। खास तौर से अपने आहार में महिलाओं को ड्राई फ्रूट्स शामिल करनी चाहिए, इससे ताकत मिलती है और व्रत वाले दिन थकान भी महसूस नहीं होती है। साथ में नींबू, नमक और चीनी का घोल भी बनाकर रात में पीना चाहिए। इससे शरीर में नमक और ग्लूकोज का संतुलन बना रहता है और व्रत के दौरान कमजोरी नहीं होती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्या आप इस बार करवा चौथ का व्रत कर रही हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।